कि इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग कैसे दूसरे अपने दोस्त का, अपने फ्रेंड का कैसे आप लोग व्हाट्सअप जो है उसका हैक कर सकते हैं, वो भी लीगली तरीके से। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं एजुकेशन पर्पस के तौर पे बना रहा हूँ, तो इनका गलत इस्तेमाल ना करना। और दोस्तों, अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल एक राइट वे है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी समझदारी से काम लेते हैं तो आप लोग सिर्फ एक कोड से, जिस तरह मैंने थंबनेल पे दिखाया है, आप लोग एक ही कोड से किसी का भी व्हाट्सअप जो है वो हैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने सिर्फ थोड़ा सा एक काम करना है, और वो काम कुछ इस तरह है कि आप लोगों ने जिस बंदे का यानी कि वो अकाउंट आप यानी कि देखना चाहते हैं, आप हैक करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने उनका मोबाइल लेना है, और उनके मोबाइल में दोस्तों, जैसा कि उनके मोबाइल में सिर्फ ये कोड डायल करना है, *21*, और यहाँ पे मिसाल के तौर पे, जैसा कि मैं यहाँ आप लोग को बता दूँ, एक नंबर मैं आप लोग को लिखवा दूँ, ये नंबर आप लोग अपना नंबर आप लोगों ने डालना है, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों। तो आप लोगों ने कोड क्या लिखना है, *21* आप लोग का फिर अपना नंबर होगा, और फिर ये हैश दबाना है, ये उस मोबाइल से दबाना है जिसका आप व्हाट्सअप यानी कि हैक करना चाहते हैं, और इनको आप लोगों ने डन कर देना है। तो जैसे आप लोग डन कर लेते हैं, तो यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग की जो ऑप्शन होती है वो यानी कि उस नंबर पे एनेबल हो जाती है, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये इस नंबर के, ये जो मेरे नंबर के कॉल आए जाएंगे, ये उस नंबर पे जाएंगे। तो दोस्तों, जब आप लोग उनके कॉल फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो आप लोगों ने जल्दी जल्दी से क्या करना है कि आप लोगों ने व्हाट्सएप में जाना है, और व्हाट्सएप में जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर उसी बंदे का नंबर देना है अपने मोबाइल से। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि उसी बंदे का नंबर दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने दोस्त का मोबाइल का नंबर दे देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अब ये एक कोड ही भेजता है उसके नंबर पर, तो हम क्या करेंगे कि इनको वेरीफाई कर लेते हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि नंबर ये सही है, तो आप लोगों ने वही नंबर देना है जिसका आप हैक करना चाहते हैं, और इनको ओके कर लेते हैं। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों, कि आप लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू पे नहीं करना, आप लोगों ने ये नॉट नाउ पे करना है दोस्तों। ये बड़ी ध्यान वाली बात है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, नॉट नाउ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप लोग क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोग के सामने एक कॉल मी की ऑप्शन आएगी, और अगर कॉल मी की ऑप्शन नहीं आती तो आप लोग दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लें। तो जैसे आप लोग यहाँ पर ये कॉल मी की ऑप्शन पर दबाते हैं, तो ये उसी नंबर पे कॉल चली जाती है जो कि आपने वहाँ पे डायल किया होता है। असल में तो जानी वहाँ पे चाहिए जिनका यानी कि नंबर होता है, तो लेकिन ये उस पे जाती है जो कि फॉरवर्डिंग की आपने ऑप्शन लगाई होती है, और जब आप लोग के पास वो कोड आ जाता है, तो आप लोगों ने यहाँ पे वो अपना कोड जल्दी जल्दी दे देना है। तो जैसे दोस्तों आप लोग वो कोड दे देते हैं, जब आप लोग को कॉल आ जाती है, तो ऐसे वो सीधा यानी कि रिस्टोर वो बैकअप में चला जाता है, और जैसे आप लोग ये रिस्टोर कर लेते हैं, तो उनके सारे जो मैसेज होते हैं वो आपके मोबाइल पे ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं, वही का वही पूरा यानी कि एक व्हाट्सअप आपके मोबाइल पर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पर ये 40% हो गए हैं। और आप लोगों ने दोस्तों करना क्या है कि एक और जल्दी काम करना है, क्योंकि अगर व्हाट्सअप जो है बाद में उनको कोई मैसेज भी सेंड करता है, तो आप लोगों ने करना क्या है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये 40% हो गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो सारे मैसेजेस उनके आ गए हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोगों ने जल्दी से क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ 3 डॉट पर जाना है, और 3 डॉट पर जाने के बाद जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सेटिंग में जाएँगे, और सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ अकाउंट में जाना है, और अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे ये 2-स्टेप वेरिफिकेशन है, यहाँ पे आप लोगों ने इनको एनेबल करना है, यानी कि आप लोगों से यहाँ पिन मांगा जाता है, तो आप लोग सिंपल सा 1, 2, 3, 4 ही दे दे। तो इसी तरह आप लोग बड़ी आसानी से किसी का भी व्हाट्सअप हैक कर सकते हैं, किसी का भी जो व्हाट्सअप अकाउंट है उन तक आप लोगों की रसाई हो सकती है। सो दोस्तों, अगर आप बाद में आप लोग यानी कि आप ये चाहते हैं कि उनके कॉल जो हमने डाइवर्ट किए थे, अगर आप उनके कॉल ये आप चाहते हैं कि उनके कॉल ना आए, तो आप लोगों ने सिंपल सा उनके मोबाइल पे क्या करना है कि हैश 21 और फिर ये हैश मिलाना है, पहले *21 था
और अब ये हैश एक ही हैश मिला के ऐसे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल के तमाम अपडेट्स आप लोगों को यूट्यूब पर मिलते रहें। सो थैंक यू दोस्तों, मैं था नसीर और आप देख रहे थे एंड्रॉयड उर्दू, और इस वीडियो में हमने जाना कि हाउ टू हैक व्हाट्सएप 2018 भी कह सकते हैं, 18 भी कह सकते हैं। सो थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।